ये तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से ये वो कबूल कर रहे हैं कि जो 2019 में बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है और गवर्नमेंट को जो है इस तरह के इकदाम उठाने जो है इनकी मजबूरी बन गई है। जी, तो सर इलेक्शंस के हवाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल भी इलेक्शंस होंगे तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे तो नहीं होंगे ना जी। हम भिखारी नहीं हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी कश्मीरी भिखारी नहीं हैं। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें, हम भिखारी नहीं हैं और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड के हवाले से जानना, तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज़्यादा तंग करना। जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।